परमेश्वर के धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार मिल के आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की कृपा और प्रेम और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति हमें अधिक तरीके से चलवाने के लिए सहायता कर किया, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग बीते दिन से हम लोग सोच के आ रहे थे परमेश्वर के कलीसिया के बारे में, तो कल हमने कलीसिया के बारे में, कलीसिया की जो सदस्य हैं उनका नाम ही नाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहली वाली नाम के बारे में हमने देखा विश्वासी, आज को दूसरी वाली नाम के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का किताब 6वां अध्याय पहली वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1। बस चेलों के दूसरी वाले शब्द है चेलो, डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मतलब चेलो। चेलो का मतलब क्या है? जो कि किसी की अनुगमन करने वाला, नहीं तो किसी के पीछे चलने वाला, नहीं तो किसी की क्या बोले से मैंने किसी की पीछे घूमकर बहुत कुछ सीखने एक व्यक्ति को चेले बोलते हैं, डिसाइपल बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कलीसिया का जो दूसरी कलीसिया की जो सदस्य है उन सदस्यों का दूसरी नाम है शिष्य, चेले, नहीं तो डिसाइपल्स। आज के ज़माने में सब शिक्षक बनना चाहते, कोई भी डिसाइपल बनना चाहता नहीं। आज के ज़माना ऐसा ज़माना है कोई भी किसी के नीचे रुककर पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी किसी के नीचे गुरुत्व किसी की क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप में बैठकर पढ़ना नहीं चाहता, नहीं तो किसी की टीचिंग के नीचे रुककर पढ़ना। सब अपने आपके मर्जी के मालिक हैं, मगर बाइबल कहती है कि अगर हम कलीसिया के योगदान हैं, हम कलीसिया के हैं, हमारा योगदान कलीसिया के साथ है, तो हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया के साथ मिलकर हमें भी चेले बनने की ज़रूरत है। अगर चेले नहीं बनते तो हमें कलीसिया के साथ कोई योगदान है ही नहीं। हेलो, क्लास అవుతుంది కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంది తర్వాత 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 రైట్ ठीक है। तो ओके, तो कलीसिया का जो विश्वासी हैं वो विश्वासियों को परमेश्वर क्या बोलते हैं? चेले बनने के लिए बोले गए हैं। चेले जब तक हम लोग नहीं बनते तो परमेश्वर से हम नहीं सीख सकते। अगर परमेश्वर से कुछ सीखना है, कलीसिया के योगदान में हमें रुकना है, तो नियुक्त रीति से हमें क्या करना चाहिए? चेले बनना जरूरी है। जब तक हम चेले नहीं बनते तो कभी भी परमेश्वर का कलीसिया के साथ हमारा योगदान नहीं होगा। इसीलिए आज के जो मनन के लिए हम लोग देखेंगे चेले कौन है, चेले कैसे बन सकते हैं, चेले की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। पहली वाले अनुभव में हम लोग देखेंगे जो बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना के जो चेले थे वो किस प्रकार के थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 9वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14। देखो ये चेले किनके हैं? यूहन्ना के हैं, नहीं तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो परमेश्वर की सेवक हैं उनके पीछे सेवक बन के चल रहे थे, नहीं तो यीशु मसीह से भी पहले जो यूहन्ना सेवकाई कर रहे थे वो अपने आत्मिक अनुभवों के अनुभव से, नहीं तो आत्मिक प्रकाशन के अनुभव से वो क्या कर रहे थे, कितने चेलों को तैयार करके रखे थे। तो ये चेले किनको आकर सवाल पूछ रहे हैं? यीशु मसीह के आकर कितने सवाल पूछ रहे हैं, किस विषय के बारे में? उपवास के बारे में। किनके साथ मिलके? 14वीं वचन फिर एक बार, देखो ना ये चेले लोग आकर यीशु मसीह से पूछ रहे कि तुम्हारे जो चेले हैं, यीशु मसीह की जो चेले हैं वो क्या नहीं करते? उपवास नहीं करते। इसलिए एक चीज़ हमें मालूम करना चाहिए, कलीसिया के अगर हम योगदान हैं, कलीसिया के अंशी अगर हैं, अगर यीशु मसीह के चेले हैं, हमें देखने वाले, समझने वाले, जानने वाले बहुत लोग हैं। देर आर पीपल हु आर ऑब्जर्विंग यू और योर एटीट्यूड, योर कैरेक्टर, योर बिहेवियर, वट एवर यू डू, देर आर पीपल हु आर रिसीविंग, लोग देखने वाले हैं। तो यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते, उस चीज के बारे में किसने देखा? यूहन्ना के चेलों ने देखा।
तो ये डिफरेंशिएशन वो लोग क्या करना शुरू किए, अंतर वो लोग देखना शुरू किए कि हम लोग उपवास करते हैं, तेरे चेले यीशु मसीह के चेले क्या नहीं करते, उपवास नहीं करते। क्यों ऐसा बोलने की जरूरत है? कारण क्या है? मतलब यीशु मसीह के चेले जो थे वो हरदम खा पी कर मजा करके घूम रहे थे, मगर इधर यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे हैं जानते हो ना? अभी उनको उपवास करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के क्रूसार्पण के बाद नहीं तो स्वर्गहरण के बाद ये लोग क्या करेंगे, उपवास की जो श्रेणी है ये कह मेरे चेले सीखेंगे, वो उस चीज को वो लोग गुरुत्व देंगे बोलकर यीशु मसीह इनको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसीलिए चेले का तत्व क्या होना चाहिए? दूसरों से सीखने की एक तत्व होना चाहिए। चेले की एक तत्व क्या होनी चाहिए? दूसरों उसे देख रहे हैं, वो अपनी जीवन को करेक्ट प्रति रीति से चलाने की कोशिश करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। लोग उसे देखते हैं, हम यीशु के चेले हैं तो हमें देखने वाले सौ सौ आंखें हैं, हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, करोड़ों आंखें हैं, तो हमें बहुत गुरुत्व रीति से क्या करना चाहिए, अपनी पेशकश को, अपनी जीवन को चलवाने की जरूरत है। इसीलिए ये यहाँ पे यूहन्ना की जो चेलों के बारे में बताया गया, उनको बहुत सारे कन्फ्यूशंस है, बहुत सारे कन्फ्यूशन से चेलों को नियुक्त रीति से कन्फ्यूशन जरूरी है। अगर कन्फ्यूशन नहीं है तो कभी भी हम सवाल नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो? अगर कन्फ्यूशन क्वेश्चन नहीं है तो कभी भी हम जवाब की तलाश नहीं करेंगे। तो इनके अंदर एक अच्छी गुण क्या है, वो लोग सवाल करते थे, ठीक है ना। अब प्रेरितों का किताब 19वां अध्याय पहला वचन, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1, 19:1, देखा ना, ये लोग भी किनके चेले हैं? बपतिस्मा योहन्ना के चेले हैं, नहीं तो उन्होंने जो कुछ सिखाया उस सीख को वो लोग क्या कर रहे थे, मान के चल रहे थे। तो इस जगह पर कौन आया? परमेश्वर के दास पौलुस आए। पौलुस जब आए उधर देखे तो ये लोग परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, मगर ये लोग क्या नहीं पाए हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं पाए हैं, नहीं तो पवित्र आत्मा की पूर्णता नहीं पाए हैं। तो ये पौलुस उनको पूछ रहे हैं, क्या तुमने जब उद्धारी पाए पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं क्या, जाना नहीं क्या? तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कभी जाने नहीं। तो ये लोग की मकसद क्या है, चेले हैं, सीखने की आदत, नहीं तो जानने की इच्छा, नहीं तो पहचान, नई चीजों को सीखने की एक तत्व। और उसके बाद अगर नीचे हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, पौलुस जब उनके ऊपर हस्तार्पण करते हैं वो लोग सब पवित्र आत्मा में पूर्ण होते हैं। ये है चेले की एक अच्छीपन। अगर उसके जीवन में कुछ कमियां हैं, उसके जीवन में कुछ होने से उसने नहीं सीखा, ऐसी चीज उसने देखा तो तुरंत वो आत्मिक तरीके से उन चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए वो अपना जीवन तैयार करने वाली एक हिस्सा है। ये चेलों की तत्व, ये है एक चेलो की गुण। तो तीसरी वाली अगला देखते हैं, लूका लिखित समाचार 7वीं अध्याय 18वीं वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 18, लूका लिखित समाचार 7वीं अध्याय उसकी 18वां वचन। उसके बाद देखिए ना, यहां पे लिखा गया, अनुभव में देख सकते हैं, जो यूहन्ना के चेले थे वो रिपोर्टिंग थे, मैसेंजर्स थे, रिपोर्ट देते थे। हेलो, अगर हम एक चेले हैं हमें रिपोर्ट देना जरूरी है, वी आर मस्ट एंड बाउंड टू गिव रिपोर्ट्स। है तो कलीसिया को, नहीं तो परमेश्वर को, नहीं तो जो हमारे आत्मिक तौर पर आगे हैं उनको हमें नियुक्त रीति से क्या करना चाहिए, रिपोर्ट देना जरूरी है। क्या हम किए, क्या हमारा मकसद था, कैसा हमारा अनुभव था, उन सब चीज़ों को हमें प्रकाशन करनी चाहिए। तो योहन्ना लुकित लूका लिखित सुसमाचार 7वीं अध्याय 14वीं वचन में देख सकते हैं, जो इनके जो गुरु थे, कौन,
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना वो कहां पे थे? जेल में थे। हाँ, जेल में थे। जेल में पढ़ते वक्त उनको निरुत्साह बन गए, डिप्रेशन में चले गए। क्यों? उनकी सेवकाई कुछ हो रही नहीं थी। बाहर जब थे वो बहुत बहुत लोगों को बपतिस्मा देते थे, बहुत लोगों को सुसमाचार बोलते थे, बहुत लोगों के लिए विनती प्रार्थना सब करते थे, मगर जेल में जब गए इनका सेवकाई कंप्लीट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। कॉन्ग्रीगेशन सब बंद हो गए। अब कोई आना धाना नहीं, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई प्रचार नहीं। तब उनके अंदर क्या आ गया? डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आते वक्त वो उनके चेलों को क्या किया? इंफॉर्मेशन दिया, बुलवाया और चेलों से रिपोर्ट्स पूछ रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या हाल चला है, क्या क्या चीजें हैं। तब चेलों ने, किन की चेलों? जो यूहन्ना की चेलों ने, वो लोग क्या किए? यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा लोग बपतिस्मा पा रहे हैं, यीशु मसीह पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उनकी कॉन्ग्रीगेशन बढ़ रही है, तो इनके अंदर एक कन्फ्यूजन आया, हम लोग किसी और के लिए वेट करें या कोई और आने वाला है? तो इनका टेंडेंसी क्या है? रिपोर्टिंग करना, मैसेज देना। समझ रहे? यह है एक चेलों की अच्छी गुण। उसके बाद मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 11वीं अध्याय उसकी दूसरी वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 2। हाँ हाँ बस उसके बाद देखे ना उनका कंफ्यूजन। और उसके बाद देखे ना यीशु मसीह उनको क्या किए? जो कुछ यहां पे हो रहा है वो सब कुछ जाकर उनको क्या करो? बतला दो, बताओ। रिपोर्ट इट टू योर मास्टर, नहीं तो रिपोर्ट इट टू योर टीचर। क्योंकि जो यूहन्ना जो था वो कंफ्यूजन में था, डिप्रेशन में था, तो इनका मैसेज सुनते ही उसके अंदर क्या आ सकती थी? उत्तेजन आ सकती थी। इसीलिए यूहन्ना ने क्या किया जानते हो ना? अपने चेलों को यीशु मसीह के ऊपर आश्रयवान करने के लिए कोशिश कर रहा है। यूहन्ना तो डिप्रेशन में है, यूहन्ना अपने जीवन में कमियां अनुभव कर रहा है, मगर अपने चेलों को रास्ते से अलग होने के लिए नहीं दे रहा है, बदले में परमेश्वर यीशु मसीह से क्या करने के लिए दे रहा है? अटैच होने के लिए, नहीं तो यीशु मसीह के चेले बनने के लिए अवसर दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह तत्व हमें होनी चाहिए। तो यहां पे हमें देख सकते हैं कि यूहन्ना के जो चेले थे वो रिपोर्टिंग देते थे, मैसेजिंग देते थे। उतना ही नहीं, उनको एक दूसरे एक गुरु टीचर को मिलने के लिए इनको क्या किया गया? यूहन्ना तैयार कर रहे थे। वो एक चेले की अच्छे गुण होनी चाहिए। अब यूहन्ना लिखित सुसमाचार तीसरी अध्याय उसकी 25वां वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 25। देखा ना किसके विषय में? शुद्धिकरण के विषय में। किनके साथ? यहूदियों के साथ क्या हुआ? वादानुवाद हुआ। तो हमें मालूम करना चाहिए, एक चेला परमेश्वर के व्यवस्था के हिसाब में जानकारी पाया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए, और वो जो व्यवस्था को उसने सुना है, जो वचनों को उसने सुना है, जो चीजों को उनको उन्होंने सीखा है, उन चीजों को दूसरों को क्या करना चाहिए? बताने वाला के टेंडेंसी रहना चाहिए। तो यहां पे लिखा गया ये लोग किनके साथ? यहूदियों के साथ। शुद्धिकरण के बारे में ये लोग क्या करना शुरू किए? वादानुवाद करना शुरू किए। क्योंकि यहूदी ऐसे एक लोग थे जो शुद्धिकरण को बहुत गुरुत्व देते थे। समझ रहे हो ना? इसीलिए वो लोग क्या करते थे? हाथ धोते थे, पांव धोते थे, बर्तन धोते थे, सब कुछ धोते थे, सब कुछ की बाहरी शुद्धिकरण, मगर अंदर कुछ नहीं।
बाहर की दिखावा मगर अंदर कुछ है ही नहीं। वैसे लोगों को यूहन्ना के चेले क्या कर रहे हैं? शुद्धिकरण के बारे में बता रहे हैं। अब उसकी नेक्स्ट वाली वचन पढ़ते हैं तो क्या दिखते हैं देखेंगे। देखो ना, शुद्धिकरण के बारे में डाउट आने पर किनके साथ? यहूदियों के साथ बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद किसको जाके रिपोर्ट कर रहे हैं? उनके गुरु मास्टर को, कौन? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। तो उनको आकर क्या बोल रहे हैं ना, यीशु मसीह उस पार क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ग्रीगेशन में क्या कर रहे हैं? बढ़ोतरी पा रहे हैं। हेलो। और ये लोग क्या देखे? यूहन्ना के सुसमाचार दूसरी अध्याय में यीशु मसीह कानान के गृह में जाकर वो क्या किया? शुद्धिकरण के लिए रखा गया पात्रों को उसने क्या किया? घर के अंदर लेके आए। तो ये लोग की सोच विचार क्या? एक नया शिक्षा, एक नया पढ़ाई, एक नया तत्व, कोई और उधर क्या कर रहा है? सिखा रहा है। तो कंफ्यूजन आ गया। अरे मेरा गुरु बोलता है पानी में डुबकी लगाकर शुद्धिकरण चाहिए, मगर यहूदी लोग बोल रहे हैं कुछ और, यीशु मसीह बोल रहा है कुछ और, हम किसका सुने? ये जाकर किसको पूछ रहे हैं? यूहन्ना से पूछ रहे हैं। हेलो। ये जाकर किससे पूछ रहे हैं? अपने गुरु से पूछ रहे, यूहन्ना से पूछ रहे हैं। तो यूहन्ना उनको क्या कर रहा है? बताने की कोशिश कर रहा है। यूहन्ना उनको क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन के आधारित उनको क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। अब देखो उसके बाद क्या क्या आ गया। 27वां वचन। देखा ना, उसके बाद हाँ हाँ उसके बाद हाँ देखा ना, ये इनडायरेक्टली बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना किसको? अपने चेलों को यीशु मसीह के ऊपर आधारित करने के लिए, नहीं तो यीशु मसीह के शिक्षा के ऊपर आधारित करने के लिए वो क्या कर रहा है? मौका दिलवा रहा है। इसीलिए उसके 30वां वचन में बताया गया, वो बड़े मैं कम हूं, वो मसीहा है मैं मसीहा नहीं हूं, वो अभिषेक देने वाला है मैं अभिषेक देने वाला नहीं हूं, वो बपतिस्मा देने वाला है मैं बपतिस्मा देने वाला है ही नहीं हूं, मैं पानी में तुझे बपतिस्मा देता हूं, वो तुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। तो ट्राई टू फोकस ऑन टू जीसस, यीशु मसीह के ऊपर तू चेला बनने की क्या कर? कोशिश कर। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार दूसरी अध्याय में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह विवाह के घर में जाकर एक नई तरीके से शुद्धिकरण दिला रहे हैं। तीसरी अध्याय में यहूदियों के बीच में जो निकोदिमी है, निकोदिमी के जीवन में भी परमेश्वर एक नया पहचान लेके आ रहे हैं, एक नई शिक्षा। यह सब कुछ किसको पता चल गया? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को पता चल गया। इसलिए यूहन्ना क्या कर रहा है जानते हैं ना? यीशु मसीह ही है वो। कौन? उसकी 28वां वचन ना, 29 दुल्हा कौन है? यीशु मसीह है। दुल्हीन कौन है? वे कलीसिया, नहीं तो जो चेले हैं हम। दुल्हा कौन है? इसीलिए उन जमानों में, इसराइलियों के उन जमानों में विवाह के घर में जो दुल्हा के फ्रेंड है वही विवाह का सब कार्य करते हैं। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार दूसरी अध्याय में जो काना के जो विवाह है, उस विवाह में यीशु मसीह का जाने का जरूरत क्या था? यीशु मसीह उस काना के विवाह के फ्रेंड थे, रिलेटिव थे। उसीलिए यीशु मसीह वहां पे क्या किए? चमत्कारी किए, पानी को द्राक्ष रस के रूप में बदला। हेलो। इसीलिए आज हमें मालूम करना चाहिए हमारा भी दुल्हा यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही हमारा गुरु है, यीशु मसीह के ही हमें चेला बनना जरूरी है। हमारा कन्फ्यूशन यीशु मसीह ही दूर कर सकता है। यीशु मसीह के चेले बनने पर ही हमारा कन्फ्यूशन, हमारा व्यवस्था का विवरण हमें मिल सकता है।
इसलिए यूहन्ना क्या कर रहा है, अपने चेलों को यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करवाता है। हम किसी की भी चेले हैं, यीशु मसीह की चेला बनना जरूरी है, तो ही हमारा कंफ्यूशन, तो ही हमारा जरूरत है, तो ही हमारा आत्मिक नियम है सब कुछ की क्या होगा, बदलाव पा सकेगा। वो है पहली हिस्सा जो यूहन्ना के चेले। दूसरी वाली हिस्से में देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 22वां अध्याय 16वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22:16। बस 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 उसके 15 वचन से पढ़ो, हिंदी में वो वाच वचन ठीक से लिखा नहीं। 15 वचन, भाषा है उसके बाद। ये दूसरी वाली झुंड कौन सी है, फरीसियों की चेलो। ओके, लिखा है ना, फरीसी चेले, ये दूसरी कैटेगरी है। ये लोग योहन्ना के चेले नहीं, यीशु मसीह के चेले नहीं, किसके चेले, फरीसियों की चेले। तो इनका काम क्या है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर जो है बाहर वो नहीं, अंदर गंदगी बाहर शुद्धिकरण, ये है इनका सिस्टम। तो ये लोग क्या किए, किनके साथ मिलकर, हेरोदियों के साथ मिलकर, कौन, फरीसी की चेले हेरोदियों के साथ मिलकर किसके निकट आए, यीशु मसीह के निकट आए। क्यों, यीशु मसीह को ट्रिक ट्रिक में डालकर फंसाने के लिए, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को फंसाने के लिए कोई आएगा तो फंसेगा क्या, खुद फंसेगा मगर यीशु नहीं फंसेगा। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देते तब तक फंसने के लिए अवसर परमेश्वर नहीं देंगे। तो यहां पे जो चेले हेरोदियों के साथ मिलकर यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रहे हैं, मस्का मार रहे हैं, बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं। देखो उसकी 16वीं वचन में लिखा गया, देखो, गुरु हाँ, हे, देखो क्या बोल रहे, देखो देखो वो शब्द देखो, हे गुरु, हे माय टीचर, उनका गुरु कौन है, यीशु है क्या, नहीं, फरीसी है, उनका सिद्धांत उनका गुरु है, मगर यीशु के निकट आकर फंसाने के लिए क्या लगा रहे हैं, तेल मालिश, मलहम, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तू सच्चा है हम जानते हैं, इनको कैसे पता, ये उनके चेले हैं क्या, है नहीं, मगर किसी से सुने। उसके बाद देखा ना, परमेश्वर के मार्ग सच्चाई से सिखाता है। उसके बाद किसी की परवाह नहीं करता, मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। ये सच्चाई को अगर ये चेले विश्वास करते हैं ना तो ये लोग अनंत जीवन पाते, मगर ये लोग ये चीज को विश्वास नहीं करते। खाली दिखावा के हिसाब से यीशु के निकट आकर यीशु मसीह को मलहम लगाने की कोशिश की। ये चेले ऐसे वाले चेले भी हैं, ये फरीसी की टाइप वाले चेले। ये लोग क्या करते, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर में अपवित्रता बाहर पवित्रता, एक्टिंग परफेक्ट एक्टर, समझ रहे हो, ऐसे चेले भी हैं, दिखावा का चेले, यीशु के निकट आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, उनकी मुंह की बातें सुनने से वाह पिघल जाएंगे, आइस के समान पिघल जाएंगे, महू के हनी के समान पिघल जाएंगे। क्यों, उनकी जो बोलती है उस बोलती हमें क्या कर देगा, ओह नीचे गिड़गिड़ा देगा, आकाश में उड़ने के लिए देगा। मगर उनका उद्देश्य क्या था,
यीशु मसीह को फंसाना। वो यीशु मसीह के चेले नहीं बनाते चाहते, वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की सच्चाई के विषय में नहीं, गुरुत्व नहीं। उनको कैसे भी यीशु मसीह को क्या करना चाहिए, फंसाना है। फंसाने के लिए ये लोग किसी के साथ भी मिलेंगे। किसके साथ ये लोग मिले? हेरोदियों के साथ। हेरोदिया कौन था? जो सबका विरुद्ध था, वो राजा था और सब कुछ का विरोध करने वाला। इसलिए ये लोग यीशु के निकट क्यों आए जानते हैं ना? चुंगी के बारे में यीशु में, यीशु को फंसाने के लिए, क्योंकि यहूदी लोग धनी थे और वो लोग चुंगी देने के लिए पसंद नहीं कर रहे थे। तो उनका हिस्सा था, यीशु मसीह को अगर फंसा देंगे तो हमें चुंगी से हमें छुटकारा मिल सकेगा। समझ रहे हो? चुंगी लेने में, चुंगी देने में हम लोग क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए ये लोग क्या कर दिए, हेरोदियों को भी साथ लेके आए, ताकि यीशु मसीह अगर चुंगी के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो कौन फंसेगा? यीशु फंसेगा। ऐसे चेले भी हैं, ऐसे अच्छे चेले भी हैं, कलीसिया के अंदर भी है, बाहर भी है। ऐसे लोगों से हमें बहुत जागृत रीति से रहना चाहिए। समझ रहे हो? यीशु इनकी हृदय के विचार जानते नहीं क्या? जानते हैं। ये क्या चाहते हैं वो भी यीशु मसीह जानते हैं। इनका उद्देश्य मकसद क्या है वो भी जानते हैं। इनका हृदय के अंदर क्या है वो भी जानते हैं। तो यीशु मसीह क्या किए, उनके उद्देश्य के हिसाब से उनको क्या किया गया, जवाब भी दिया गया। वो यीशु को फंसाने चाहते थे मगर यीशु मसीह उनको फंसा दी। हेलो, अगर यीशु के निकट अच्छे उद्देश्य से आते हैं तो हमारे अच्छे उद्देश्यों को परमेश्वर पूरा करेंगे। अगर गंदे मकसद से आते हैं तो हम फंस जाएंगे। तो ये फरीसी क्या किए, अपने चेलों के साथ, हेरोदियों के साथ मिलकर यीशु को फंसाने के लिए, और नहीं तो क्या क्या बोलते हैं, चुंगी से रिहाई पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की। तो यीशु ने क्या कहा, एक कॉइन लेके आने के लिए बोला, इसकी में मोहर किसका लगा है? तो वो लोग बोले कैसर की। तो यीशु ने जवाब क्या दिया, जो कैसर की है कैसर को दो, जो परमेश्वर की है वो परमेश्वर को दो। क्लियर कॉन्सेप्ट बता दिए। तब इनकी क्या नहीं बोलती नहीं। हेलो, फंसाने के लिए आए, खुद फंसकर निकल गए। अगर हम चेले हैं हमें यीशु के निकट आना जरूरी है। ये लोग को यीशु मसीह के निकट आने के अवसर मिली, यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में मालूम था, यीशु मसीह परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की ओर से आए, वो किसी की सुनता नहीं, सब कुछ मालूम किए, मगर वो लोग परमेश्वर की चेला बनने की कोशिश ही नहीं की। उनकी अंदर की जो गर्व श्रेष्ठता परमेश्वर की चेले बनने के लिए ही नहीं दिया। हेलो, यूहन्ना अपने चेलों को यीशु मसीह के ऊपर आधारित करने के लिए क्यों अवसर खोल दिया? क्योंकि यूहन्ना को मालूम था कि वो मसीहा है, वो अभिषेक प्राप्त व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा से भरने वाला है, वो ही कुछ ना कुछ लोगों के अंदर कर सकता है, उस चीज के बारे में वो जानता था। इसलिए यूहन्ना कहता है, वो बड़े मैं कम हूं। जब तक हमारे अंदर यह तत्व नहीं आता, जब तक हम कमते नहीं, जब तक हम डिक्रीज नहीं होते, जब तक हम इंक्रीज होने की मकसद को छोड़ते नहीं, तब तक हम परमेश्वर की चेला बन नहीं पाते। हेलो, परमेश्वर का चेला बनना थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को क्या करना चाहिए, नीचा, डिक्रीज। सब ऊंचा ऊंचा होने के लिए बहुत इच्छुक वाले हैं ना, कोई भी गरीब पैदा नहीं होना चाहता, सबको धनी। पर बाइबल कहती है यू डिक्रीज ही मस्ट इंक्रीज। परमेश्वर की उन्नति होनी है, हमारी क्या होनी है, घटने वाली अनुभव। चेले के जीवन में वो जरूरत है, मगर ये चेले क्या चाहते हैं, अपने आप को कम छोड़ना नहीं चाहते, अपने आप की कमी महसूस करना नहीं चाहते, बदले में क्या करेंगे, उन्नति। हेलो,
अभी मार्कस लिखित सुसमाचार दूसरी अध्याय 18वां वचन, मार्क चैप्टर 2 वर्स 18। देखे देखो ना, ये लोग जरूरत पड़ी तो किसी के साथ भी मिल लेंगे अपने फायदे के लिए। ये चले किन के साथ भी मिलेंगे? फरीसी की भी चले हैं ना वहां पे, वो लोग किन के चेलों के साथ? यूहन्ना के चेलों के साथ मिल गए। लूका लिखित सुसमाचार 5:33, लूक चैप्टर 5 वर्स 33। हाँ देखो, फरीसी लोग कभी भी यूहन्ना को एक्सेप्ट नहीं करते थे, यूहन्ना के सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं करते थे, यूहन्ना को पसंद ही नहीं करते थे, मगर जरूरत पड़ने पर वो लोग चेले बनकर किसके पास गए? यूहन्ना के चेले के पास गए और वो लोग यीशु मसीह के चेलों के विरुद्ध में क्या करना बोलना शुरू किए। वाह क्या मस्त लोग है, ऐसे चेले भी हैं। हेलो, किस चीज में खिंची, किस चीज के बारे में खींचने के लिए गए? उपवास के बारे में। ये लोग बोल रहे उपवास क्या है? पुरातन नियम के व्यवस्था के हिसाब से साल में एक बार वो लोग उपवास करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो लोग उपवास, जरूरत के हिसाब से वो लोग रुकते हैं। मगर ये फरीसी लोग क्या करना शुरू किए? हफ्ते में 2 बार, हेलो, पब्लिक फास्ट, डिक्लरेशन फास्ट, दिखाने वाली फास्ट, ओ, और बोल के घूमते कि हम लोग फास्टिंग। हेलो, इनको क्या मालूम फास्टिंग क्या है? उपवास क्या है इनको क्या मालूम? उपवास दिखावा नहीं है, उपवास दिखावा नहीं है। उपवास ऐसी एक चीज है जो हमें कम कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए और परमेश्वर की इंक्रीज होने की एक एक श्रेणी है उपवास। उपवास में हम लोग क्या करते हैं? आहा खाने को छोड़कर, खाना बनाने को छोड़कर, नहीं तो खाने की तैयारी को छोड़कर, उस समय को भी अपने आप को कम करके परमेश्वर के सन्निधि में न तोला, वो है फास्टिंग। फूड छोड़कर, फूड बनाने का टाइम छोड़कर, उस समय को भी आत्मिक चीज में बदलाव लाने के लिए, प्रार्थना में शामिल करने के लिए, आत्मिकता में बढ़ोतरी लाने के लिए एक हिस्सा है उपवास। हेलो, यीशु मसीह के उपवास को देखो, कहाँ उपवास किए? जंगल में जाकर, एकांतता में, अकेले में। एलिया को देखो, मूसा को देखो, अकेले में। हेलो, क्यों? हमारी क्या होने के लिए? कमी होने के लिए, सो दैट वी कैन डिक्रीज। उपवास करते वक्त हमारा फैट कमेगा, चर्बी कमेगी, हमें जो खाने की जो लालच है वो कमेगी, खाने के प्रति जो मन भाव है वो कमेगी, दूसरों को शेयर करने की मनोभाव बढ़ेगी। जब तू खाना नहीं खाता, दूसरों को खिलाने के लिए एक तत्व तेरे अंदर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक तू उपवास नहीं बैठता, तू कब किसी को और को खिलवा सकता? तेरी भूख में तब कब तेरी भूख में, तेरी ना खाने की परिस्थिति में बैठकर दूसरों को सहायता करने की सीख उपवास में मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड। आज के जमाने में बहुत सारे लोग उपवास करने के लिए इच्छा ही नहीं करते। हेलो, उपवास करना जरूरी है। उपवास करने पर शरीर के ऊपर आक्रांत कितने शैतानिक शक्तियां हमें छोड़ के निकल जाएंगे। तो
तो अभी आप मुझे पूछोगे पास्टर जी कैसे विश्वासी बनने के बाद भी कैसे शैतानिक शक्तियां हमें हड़प सकती है, क्यों हड़प नहीं सकती, क्यों हड़प नहीं सकती? जो रोटी, जो चावल हम लोग खाते हैं, जो गेहूं हम लोग खाते हैं, उसको उगाने से पहले क्या किया जाता है? बोले नहीं, कोई तो गांव वाला उगाता होगा। उगाने से पहले वो क्या करेगा? भूमि पूजा करेगा। क्या करेगा? सब विश्वासी थोड़ी ना है, क्या करेगा? भूमि पूजा। भूमि पूजा करके अपने भगवान को बलि चढ़ा के उसका खून या जो कुछ भी उसका रीति रिवाज जो कुछ भी है उस तत्व के साथ उस गेहूं के फल को क्या कर रहा है? शैतानिक शक्तियों के साथ मिला रहा है। उस चीज को हम खरीद रहे हैं। ओके, हम विश्वासी हैं, आत्मिक है, सब कुछ है, हमारा प्रार्थना अभिषेक जो कुछ भी है सब कुछ को वो तोड़ सकता है क्या? ना कुछ रहेगा। जब हम लोग उपवास करते हैं उस खाने के अंदर की जो भी शक्तियां हैं उस शक्ति का क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन, कमती। इसलिए उपवास जब करते हैं हमारे शरीर के अंदर की जो चर्बी है, चर्बी वो क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। समझ रहे हो? पिघल कर उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति भर रही है। तो फास्टिंग क्या है? तुम्हारे अंदर की गंदगी को हटाने वाली एक अवसर। मगर ये चेले कौन है? फरीसी है, यूहन्ना के चेलों के साथ जो उनके अगेंस्ट पार्टी है उनके साथ मिलकर यीशु के चेलों के बारे में अगेंस्ट बोलने के लिए, उपवास के बारे में बोलने के लिए आए। ये सिखाएंगे उपवास के बारे में। हेलो, तो यीशु मसीह उनको क्या बोले? उपवास के बारे में तुम उनको सिखाने की जरूरत नहीं। वो लोग नियुक्त रीति से क्या करेंगे? मेरे स्वर्गहरण के बाद, मेरे क्रूसार्पण के बाद वो लोग नियुक्त रीति से क्या करेंगे? उपवास सीखेंगे। समझ रहे हो? इसलिए ये चेले कैसे चेले हैं? किसी के साथ मिलकर भी यीशु मसीह को खींचेंगे। यीशु मसीह के तत्व को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, यीशु मसीह की उधारी महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी देखते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार नवी अध्याय उसका 28वां वचन, जॉन चैप्टर 9 वर्स 38। उसके बाद उसके बाद ना कहा उसके बाद उसकी 9 की 28वां वचन एक और बार पढ़ते हैं, 9 की, जॉन चैप्टर 9 वर्स 28। हाँ, ये लोग किसके चेले हैं? मूसा के चेले हैं। यहां पे जो नवी अध्याय में क्या हुआ जानते हो ना, एक अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? चंगाई किया। चंगाई करने के बाद इस व्यक्ति को क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए और यीशु मसीह के चंगाई को क्या करने के लिए? घिनौनी तरीके से लज्जित करवाने के लिए ये लोग कौन? मूसा के चेले। किसके चेले? मूसा के चेले। तो मेरी बोलने का मतलब, यीशु मसीह क्या मूसे के विरुद्ध थे?
तो ये मूसा के चेले क्यों यीशु मसीह के विरुद्ध बन रहे हैं? तो ये हमें मालूम करना चाहिए, ये लोग मूसा की चेले नहीं है, मगर मूसा के जो तत्व है वो इनको क्या कर दिया, चेला बनवा दिया है बाय फोर्स। समझे नहीं? अगर ये मूसे के चेले होते तो यीशु मसीह के सेवकाई को ये लोग क्या करते, पसंद करते, एक्सेप्ट करते। यीशु मसीह कभी भी मूसी की सेवकाई को काट डाले हैं क्या, उकाड़ फेंके हैं क्या? नहीं। तो ये लोग क्यों यीशु मसीह की सेवकाई को रोक टोक लगाने के लिए आ रहे हैं? ये लोग क्यों यीशु मसीह जिसका अंधे व्यक्ति को रोशनी दिया उस चीज के बारे में चेक करने के लिए ये लोग क्यों आए? समझ रहे हो मेरी बात? मूसा के व्यवस्था के हिसाब से महायाजक क्या करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की शुद्धिकरण होने के बाद किसी भी व्यक्ति पवित्र है कि नहीं उसका शुद्धि कौन लेता है? हेलो, कौन लेना चाहिए? याजक लेना चाहिए। कुष्ठ व्याधि बलि देते वक्त कुछ भी करने से पहले एक व्यक्ति की शुद्धिकरण का प्रोफाइल कौन देखता है? याजक देखता है, नहीं तो मूसा के चेले बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये आदमी जो चंगाई पाया वो कहां नहीं आया? उन मूसा के चेलों के पास, नहीं तो पुरोहित के पास, याजक के पास आया नहीं, वो इसके पास आए। कौन? याजक लोग, नहीं तो वो पुरोहित लोग आकर इसको क्या करना शुरू किए, चेक करना शुरू किए, ये कैसा अंधा था, कैसा ये, क्या हुआ, चंगाई पाया उसके बारे में क्या करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया। ठीक है ना? अब उसके 25वां वचन पढ़ो, 25 नहीं 24वां वचन, 24 नौ की 24। हेलो 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 हेलो, चंगाई किसने दी? जब यीशु ने चंगाई दी तो परमेश्वर को क्यों महिमा? कौन बोल रहा है ये? मूसा के चेले बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसको बाय फोर्स बोल रहे हैं, तू परमेश्वर की क्या कर। अरे यीशु मसीह का चेला बनना बाय फोर्स नहीं है, मूसा का चेला बनना बाय फोर्स है। मूसा के चेला बाय फोर्स बनने वाले क्या करेंगे, लोगों को भी बाय फोर्स सब कुछ करवाएंगे। यीशु मसीह के चेला बाय फोर्स करने वाला एक अवसर नहीं, यीशु मसीह के चेला फ्री विल के साथ, फ्री इच्छा के साथ। हेलो, समझ रहे हो बात की? और इन वो 24वें वचन में क्या, परमेश्वर की महिमा करो, उसके बाद हाँ हम तो जानते हैं। हेलो, हेलो, हाँ या बोलो सिमु। हाँ क्या बोल रहे? वो मनुष्य पापी है, इनको कैसे पता चला वो मनुष्य पापी है? इनको कैसे पता चला वो पापी है, इसीलिए दूसरों पापी है बोलकर पता चला?
वो अपने पाप को छुपाकर दूसरा का क्यों पाप पापी बोलकर घूम रहे हैं। यह है फरीसी की चेले, सॉरी मूसा की चेले। मूसा की व्यवस्था हमें क्या दिखवाती है? हमारे पाप को दिखाती है। हम कितने पापी हैं, हमारा पाप कितना घिनौनी है। मगर यीशु के चेले बनने से हमें क्या मिलेगा? पाप से रिहाई मिलेगा, पाप से मुक्ति मिलेगा, पाप से अलग होने की एक रास्ता परमेश्वर हमको लिए हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। मगर ये फरीसी तैयार नहीं थे कि परमेश्वर के निकट आकर पाप से मुक्ति पाए। और इस अंधे व्यक्ति को क्या करें? बाय फोर्स। हेलो, ये बाय फोर्स की सिस्टम नहीं है। इसीलिए उसके 28वें वचन में क्या बोल रहे हैं, उसके 27वें वचन में क्या बोल रहे हैं, देखो हाँ हाँ, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? किसके? यीशु मसीह के। किसने बोला? अंधा व्यक्ति ने बोला। क्या पॉइंट है, देखो यार। एक अंधा व्यक्ति जब रोशनी पा लिया, वो क्या बोल रहा, मैं तो उसका चेला हूं, तुम भी उसका चेला बनना चाहते हो क्या? तब इन्होंने क्या जवाब दिया, हम तो किसके चेले हैं? हेलो, तू मूसा की चेला हो सकता है, यूहन्ना का चेला हो सकता है, किसका भी चेला हो सकता है, मगर तुझे जीवन में किसकी चेला बनना है? यीशु मसीह की चेला बनना जरूरी है। वो यीशु मसीह के चेले ही कलीसिया के मेंबर बन सकता है। तो वो अंधा व्यक्ति इनको क्या बोल रहा है, एक अवसर खोल के दे रहा है, तुम भी यीशु मसीह के चेला बनो यार। मैं तो बन गया, एक अंधा बनकर मैं रोशनी पाकर यीशु का चेला बन गया, तो तुम क्यों अपने अंधेपन से रोशनी पाने के लिए यीशु के चेले क्यों नहीं बन सकते? बनो। ये है मूसा की चेले। अब यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखें, मत्ती लिखित सुसमाचार 10वीं अध्याय उसकी 24वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 24। देखा ना, चेला अपने गुरु से कभी, आज के जमाने में सब चेले हैं, मगर किसके ऊपर बड़ा होना चाहते? परमेश्वर से भी बड़ा होना चाहते। इसीलिए अपने सब मीटिंग में वो लोग क्या करेंगे, नाम के पहले रेवरेंड। रेवरेंड जो नाम है वो किसके लिए दिया जाता है? परमेश्वर के लिए, क्योंकि रेवरेंड जो है वो परमेश्वर ही है। रेवरेंस महत्व, गुरुत्व, श्रेष्ठता परमेश्वर है। यहां बाइबल कहती है, तुम यीशु के चेले बनने चाहते हो, तुम यीशु से भी अधिक नहीं। हाँ, एक बार पढ़ो 24वें वचन। हाँ देखा ना, आज के जमाने में सब परमेश्वर से भी अधिक बनना चाहते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटर देन जीसस, यीशु मसीह से भी अधिक बनना ना चाहो। वो चेले के लक्षण है ही नहीं। यीशु मसीह गुरुत्व रीति से बोलता है, अगर तू यीशु मसीह का चेला है, जैसे यीशु को ट्रीट किया गया वैसे ही चेलों को भी ट्रीट किया जाएगा। यीशु मसीह को जैसे अपोज किया गया, विरुद्ध किया गया, वैसे ही चेलों को भी विरुद्ध किया जाएगा। कभी भी हम यीशु से भी अधिक नहीं हो सकते। हेलो, अब लूका लिखित सुसमाचार 6:40, लूक चैप्टर 6 वर्स 40। जो कोई सिद्ध, मतलब क्या, फुल्ली ट्रेन्ड, किसके निकट? गुरु के निकट। एक और बार पढ़ो, 6:40।
हेलो, गुरु के समान इक्वल टू द टीचर, गुरु के समान। अरे चेला हो, गेट ए फुल ट्रेनिंग फ्रॉम जीसस, यीशु मसीह के साथ पूरी तरीके से ट्रेनिंग पाओ, बी इक्वली विथ जीसस। इसलिए बाइबल कहती है तुम कब तक बढ़ो, यीशु मसीह के सर तक बढ़ो, सर से ऊंचा मत बढ़ो। वो है चेले की तत्व, यीशु मसीह बता रहे। ये चीज कौन बता रहा है? खुद यीशु मसीह बता रहे, तुम मेरे चेले बनने चाहते हो तो कम टू मी, मेरे निकट आओ, फुल ट्रेनिंग पाओ। कलीसिया क्यों हम जाते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, आराधना क्यों करते हैं, अन्य भाषा क्यों बोलते हैं? इट्स अ ट्रेनिंग, वो एक ट्रेनिंग है। कहां के लिए? स्वर्गीय रिक्रूटमेंट के लिए। अरे इधर हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग में जाके क्या भाषा बोलेंगे? अच्छा है कि स्वर्ग में हम क्या नहीं बनेंगे, अंग परिमित, अंग वैली नहीं रहेगी। अंग वैली समझते हो? लंगड़ा, गूंगा, अंधा, ऐसा तत्व स्वर्ग में नहीं है। सब सबके सब फुल्ली इक्विप्ड रहेंगे, फुल्ली परफेक्ट रहेंगे, सब अवय अच्छी तरीके से काम करता रहेगा, है ना? अगर इधर जो कलीसिया में जो काम कर रहे हैं वो हम पूरी तरीके से फुल्ली ट्रेंड नहीं करते हैं, स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? मक्खी मारेंगे। स्वर्गीय योग्यता में रहेंगे तो क्या करेंगे? लो, तो हमें यीशु मसीह चेला बना रहे ताकि हम फुल्ली ट्रेन्ड, फुल्ली इक्विप्ड, फुल्ली परफेक्ट बन सके। उस चीज के लिए यीशु मसीह हमें चेला बना रहे। हेलो, अब लुका लिखित समाचार में 14वीं अध्याय उसकी 26 से 33 तक पढ़ना है, बहुत गुरुत्व वाला चीज है। लुका लिखित समाचार 14वीं अध्याय उसके 26 से 33 तक। हाँ, हालेलुया, यहां पे बोलना है। जो कोई भी यीशु मसीह के चेला बनना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? बहुत सारे चीजों को छोड़ना चाहिए, सेल्फ सैक्रिफाइस, प्रायोरिटी सब छोड़ देना चाहिए। हेलो, कोई यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है वो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में जो कुछ भी गुरुत्व है उन चीजों को क्या करना चाहिए? पास रखकर परमेश्वर को गुरुत्व प्रायोरिटी देना जरूरी है। इसलिए यीशु बोलते हैं अपने मन अपने कोई यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है वो अपने पिता, माता, स्त्री, बच्चे, भाई, बहन और खुद अपने आप को क्या करना चाहिए? इनकार। हेलो, पिता, माता, स्त्री, बच्चे, भाई बहन, ये सब क्या है? फैमिली, नहीं तो हमारा ब्लड रिलेशन, खून का रिश्तेदारी। तो यीशु का चेला बनना है तो खून की जो रिश्तेदारी है उसको तुम क्या करना चाहिए? सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस रखकर यीशु मसीह के खून की जो सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करना। हेलो, कितना तत्व है ये चीज में। उतना ही नहीं, उसके 27वें वचन,
हेलो 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 हेलो, सेल्फ सैक्रिफाइस, ब्लड सैक्रिफाइस, फिर क्या करना चाहिए? अपने क्रूस को कहां पे? किसी के और ऊपर नहीं, अपने ऊपर। टेक ऑन योर ओन क्रॉस एंड कम आफ्टर मी। अपना सूली को उठाकर किसके पीछे? यीशु के पीछे। गाना सब गा देंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। गाना गा देंगे, ये गाना जिसने लिखा जानते हो उसके कहानी? ऐसे परिस्थिति में वो ये गाना लिखा, नहीं तो गाया। अपने बच्चे बीवी सब कोई मौत के रास्ते पे मारने के लिए खड़े होते, लोग खड़े होते वक्त एक सवाल किया गया, अभी भी तू यीशु का पीछा करेगा? तब उसने क्या बोला? पीछा करूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इवन दो नो बडी फॉलोस मी, मैं फॉलो करूंगा। हेलो, पुट ऑन द क्रॉस। सूली क्या है? सूली हमें क्या दिखाती है? सफरिंग, कष्ट, दुख, परसिक्यूशन, दर्द। हेलो, सूली हमें क्या दिखाती है? एक व्यक्ति अगर सूली के ऊपर टंगा रहता है, क्या होती है? दर्द, सफरिंग, पेन। यीशु मसीह सूली पर चढ़े, उनको कैसा लगा? बहुत दर्दनाक स्थिति थी। उस स्थिति को हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो ही हम किसके किसके लायक बनेंगे? यीशु के चेले बनने के लायक बनेंगे। अब उसकी 33वां वचन पढ़ो, हेलो, सब कुछ को गुड बाय बोलना है। से गुड बाय टू एवरीथिंग, इवन योर मनी, पोसेशन, प्रॉपर्टी। हेलो, हमें क्या बनना चाहिए? सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद का त्याग। हेलो, जो कुछ भी छोड़ा किसके लिए? यीशु के लिए। जो कुछ भी दिया यीशु के लिए, वो है चेले के तत्व। उसका अर्थ इतना है कि ऐसा त्याग करो कि मरने के लिए भी तैयार हो। हेलो, बहुत सारे लोग परमेश्वर के कृपा और अपने जीवन की स्थिति को बैलेंस करना देखते हैं। हेलो, क्या करना चाहते? बैलेंस। जैसे हम दुकान में जाते हैं, 1 किलो चीनी खरीदते हैं, वो 1 किलो चीनी एक साइड रखता है, दूसरे साइड में क्या रखता है? 1 किलो की गोला। जब वो 1 किलो की गोला और चीनी Praise you, Jesus. जबकि वो चीनी और गोला एक समान नहीं होते, तब तक वो हमें वो चीनी नहीं देता। क्यों? वो चाहता क्या? इक्वल, मुझे जितना मिला तुझे भी उतना मिलना है। यीशु के तत्व में ऐसा नहीं है, मेरा तेरा नहीं,
सब कुछ परमेश्वर का। वो है शिष्य, वो है शिष्यत्व, वो है यीशु का चेला बनना। सैक्रिफाइस योर सेल्फ, बोल सकते हैं क्या, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ परमेश्वर का है। वो है यीशु मसीह का चेला। अगर कोई यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, सब कुछ को, प्रायोरिटीज को छोड़कर, अपने सूली को अपने कंधे के पर लेकर, सब कुछ को गुड बाय। हेलो, सब कुछ को गुड बाय। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने पापा मम्मी को किसी को देखना नहीं, ये नहीं है। उसका अर्थ ये कि उनसे भी अधिक प्रायोरिटी, गुरुत्व परमेश्वर को होना चाहिए। हेलो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, मगर पब्लिकली बोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, मगर पब्लिकली बोलेंगे नहीं। हेलो, यीशु मसीह को विश्वास किए तो पब्लिक डिक्लेरेशन जरूरी है, मस्ट है। सताव आएंगे, अगर नहीं आया तो कौन इस मार्ग में आएगा। हेलो, इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद सताव आएगी, समस्या आएगी। अगर हम चेले नहीं बनेंगे तो कैसे जीत सकेंगे, फुल्ली इक्विप कब बनेंगे, फुल्ली ट्रेन्ड कब होंगे। इसीलिए इस दुनिया का जो हिस्सा है, इस दुनिया की जो जीवन है, कष्टदायक है, दर्ददायक है, रोगदायक है, शापदायक है, मृत्युदायक है। क्यों? ताकि हमें फुल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसलिए पावलस कहता है, मुझे बहुत सारे कोरडाओं क्या बोलते हैं, चाबुक के द्वारा मारा गया है, कूड़ेओं के द्वारा मारा गया है, मुझे बहुत बार सताव मिला है, मुझे बहुत बार नाव में सफर करते वक्त पानी पीने पड़ी है, बहुत बहुत तरीके से मेरी जीवन में सताव आई है। मैं उन सब सतावों में भी परमेश्वर के शिष्यत्व के ऊपर भरोसा रखा, छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। जैसी स्थितियों में भी मैं कलीसिया के लिए रुका, आत्मिक लोगों के लिए खड़ा हुआ, स्वर्गीय तट के लिए रुका, वो मेरी शिष्यत्व है। हेलो, आज विश्वासी बन के, कलीसिया की एक सदस्य बन के परमेश्वर चाहते हैं, एक विश्वासी ही बनना ही नहीं, एक शिष्य भी बनो, फुल्ली ट्रेन्ड, फुल्ली इक्विप्ड। मेरा प्रायोरिटी यीशु है, मेरा सैक्रिफाइस, मैंने सब कुछ त्यागा, सैक्रिफाइस किया। यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग कर ही हमें खरीदा। स्वर्गीय श्रेष्ठता है, परमेश्वर के साथ वाली मिलाप, समेत परमेश्वर की समान वाली समता, सब कुछ को छोड़कर सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, त्याग कर दिया अपना खून, शरीर, देह, व्यक्तित्व, सब कुछ को त्याग कर दिया, ताकि हमें उधारी देने की, हम उस उधारी को पाने के बाद हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए। साधु सुंदर सिंह को देखो, भक्त सिंह तो देखो, पौलुस को देखो, सीलास को देखो, यीशु मसीह के चेलों को देखो, सब सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस। जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। वो यीशु की तत्व है। आइए हम आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरी वचनों के आधारित हम
शिष्यत्व के बारे में हमने सीखा, शिष्य के बारे में हमने सीखा। परमेश्वर हम भी मौके के लिए शिष्य नहीं बनेंगे, फायदे के लिए शिष्य नहीं बनेंगे, सीखने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, अच्छे से चेले बनने के लिए शिष्य बनेंगे। परमेश्वर हमें एक अच्छे चेले बनाइए। परमेश्वर हम तेरे चेले बनकर सैक्रिफाइस कर जीने के लिए हमें सहायता दीजिए, प्रोत्साहन दे दीजिए। आधारित जीवन में अच्छे चेले बनकर यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चलने के लिए सहायता दीजिए। सब कुछ को गुड बाय बोलकर अच्छे चेले बनने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर। बाकी जो है आने वाली दिनों में और भी सीखने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।